हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ हम सबके लिए। आज 24 अक्टूबर 2020 को हमारे पास सीबीआईसी की तरफ से एक प्रेस रिलीज है और इस प्रेस रिलीज में इन्होंने हमारे फिनेंशियल ईयर 18-19 के जीएसटीआर 9, 9A और 9C के ड्यू डेट्स को एक्सटेंड करने की बात कही है। तो आइए हम देखते हैं कि अब हमारे नए ड्यू डेट्स क्या हैं जीएसटीआर 9, 9C और 9A के। तो पहले पैरा में ये बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस जा रहे थे कि डेट्स को एक्सटेंड किया जाए, कोरोना कारण बहुत ही प्रॉब्लम है। तो इन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए हमारे फॉर्म जीएसटीआर 9, 9A और 9C के ड्यू डेट्स को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब हमारे फिनेंशियल ईयर 18-19 के एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे फिनेंशियल ईयर 18-19 मतलब कि वित्त वर्ष 2018-19 के जीएसटीआर 9, 9A और 9C, इन तीनों का जो एक्सटेंडेड लास्ट डेट है या फिर ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2020, जो कि पहले था 31 अक्टूबर 2020। तो अब हमें और 2 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो ये हम सबके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अब आप आराम से अपना जो भी फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट कीजिए और डेटा को अच्छे से प्रिपेयर करके अपना 9, 9A और 9C फाइल कीजिए। आगे ये बोल रहे हैं, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा पॉइंट नंबर 3 में, वैसे टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट टर्नओवर बिलो ₹2 करोड़ मतलब कि 2 करोड़ रुपये से नीचे है, उनके लिए फिनेंशियल ईयर 18-19 का मतलब कि वित्त वर्ष 18-19 का जो जीएसटीआर 9 और 9A है वो ऑप्शनल है। साथ ही साथ वैसे रेगुलर टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, उनके लिए फिनेंशियल ईयर 18-19 का जीएसटीआर 9C भी ऑप्शनल है। क्लियर है? तो अब इसको ध्यान रखना है और अब हमारे डेट्स एक्सटेंड हो गए हैं। तो आप अपना डाटा जो है अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, पूरा समय लेके, और अपना जो भी रिटर्न है उसको समय से फाइल कीजिए। तो आई होप कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।